ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो सबको बराबर का हक देने की लड़ाई में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और ऐसे लोगों को ही आगे चलकर इतिहास याद रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भट्ट स्वागत करता हूं आपका बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज की हमारी पहली हस्ती ने बहुत से क्षेत्रों में काम किया। वो भारत के प्रसिद्ध विद्वान, समाज सुधारक और लेखक थे। साथ ही राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी योगदान दिया था। उन्होंने अनेक बड़ी संस्थाओं में अहम पदों पर कार्य किया। दोस्तों, उन्होंने ही पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने समाजवाद पर आधारित समाचार पत्र इंदु प्रकाश की भी शुरुआत की। हम बात कर रहे हैं महादेव गोविंद रानाडे की। दोस्तों, रानाडे जी का जन्म आज ही के दिन 1842 में नासिक में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन का ज्यादातर समय कोल्हापुर में बिताया, जहां उनके पिता उस समय कोल्हापुर में मंत्री थे। उनका परिवार अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में था, इसीलिए रानाडे जी की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया। इसी का परिणाम था कि उन्हें मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाया गया। इसके बाद वो बॉम्बे विश्वविद्यालय के पहले बैच के छात्र बने। बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की। 1866 में रानाडे ने स्नातक की डिग्री ली। स्नातक के दौरान वो कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र रहे। स्नातक की तरह एमए में भी रानाडे जी ने क्लास में टॉप किया। उनके जीवन में पढ़ाई का पड़ाव गुजर चुका था और अब वो नौकरी करने के लिए तैयार थे। लॉ का छात्र होने की वजह से उनकी पहली नौकरी कोर्ट में लगी। 1871 में उन्हें बॉम्बे स्मॉल कॉजेस कोर्ट यानी अल्पवाद न्यायालय में प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। यहाँ समय के साथ साथ उनकी पदोन्नति होती रही और वो पुणे में प्रथम श्रेणी के उप न्यायाधीश बन गए। कुछ सालों तक रानाडे जी ने पुणे में ही अपनी सेवाएं दी। यहाँ उन्होंने बड़े लगन से अपना कार्य किया। पुणे में रहने के दौरान उन्हें भारतीय समाज को देखने का मौका मिला। 1893 में रानाडे जी अंततः मुंबई हाई कोर्ट में आ गए और मुंबई में लंबे समय तक वो मुंबई विधान परिषद के सदस्य भी रहे। उन्होंने मराठी छात्रों के लिए कई अंग्रेजी किताबों का अनुवाद भी किया। रानाडे जी ने इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर रानाडेज इकोनॉमिक राइटिंग्स और मराठा इतिहास पर राइज ऑफ द मराठा पावर नाम से किताबें भी प्रकाशित की। रानाडे जी को भारतीय अर्थव्यवस्था का गहरा ज्ञान था। उन्होंने भारतीय समाज के आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की कमी को महसूस किया। उन्होंने ये सोचा कि अंग्रेजों की मदद से भारत में शिक्षा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है, जिससे देश मजबूत होगा और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी। रानाडे जी ने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई और पूना सार्वजनिक सभा की नींव रखी। बाद में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने में भी सक्रिय रहे।
राजनीति में रानाडे जी बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित थे। इस प्रभाव ने उन्हें सामाजिक कार्यों को करने का बढ़ावा दिया। अपने जीवन में रानाडे जी ने सबसे ज्यादा कार्य सामाजिक क्षेत्रों में ही किया। उन्होंने ही सामाजिक सम्मेलन आंदोलन को शुरू किया था। इस आंदोलन ने कुछ अहम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिनमें बाल विवाह, विधवा का सर मुंडवाना, दहेज प्रथा और जाति प्रथा मुख्य थे। आंदोलन को मजबूत करने के लिए रानाडे जी ने जगह जगह घूमकर विधवाओं के पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। महिलाओं को सशक्त बनाने की इसी सोच के चलते उन्होंने विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। दोस्तों, रानाडे जी भारत के गौरवमयी इतिहास से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। खासकर शिवाजी और भक्ति आंदोलन ने उन्हें बहुत आकर्षित किया था। 16 जनवरी 1901 को रानाडे जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रमाबाई रानाडे ने भी लगातार समाज सुधार का काम जारी रखा। दोस्तों, भारतीय समाज में रानाडे जी का योगदान अहम रहा है। उनसे प्रेरित होकर न जाने कितने ही लोग समाज सुधार से जुड़े। वो केवल अपनी नौकरी तक ही सीमित रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी को निभाया। एक सफल राजनेता व सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ गोविंद महादेव रानाडे में धार्मिक आस्था भी साफ नजर आती थी, और इसी के चलते इन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना भी की थी। इस समाज का मकसद धर्म और वेदों की महानता का प्रचार प्रसार करना था। हमारी ओर से उन्हें सलाम। वर्तमान में भारत बैडमिंटन खेल में अच्छा स्थान प्राप्त कर रहा है। खासकर कई नई महिला खिलाड़ियों ने भारतीय बैडमिंटन को मजबूती दी है। दोस्तों, हमारी ये हस्ती महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए आदर्श रही है। उनका जीवन कई उपलब्धियों से भरा है, और ये सब इतनी आसानी से नहीं मिला। दरअसल हर परिस्थिति का सामना करते हुए इन्होंने कभी भी अपने आत्मविश्वास को हारने नहीं दिया, और इसीलिए अंत में उन्हें सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने का रास्ता मिल ही गया। जी हाँ, अब हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 9 बार की राष्ट्रीय चैंपियन रही अपर्णा पोपट हैं। दोस्तों, अपर्णा का जन्म 18 जनवरी 1978 को मुंबई में हुआ था। वो गुजराती परिवार में जन्मी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में ही की और बाद में वो शिक्षा के लिए बेंगलुरु चली गई। लेकिन अपर्णा ने पढ़ाई से ज्यादा बैडमिंटन को समय दिया। अपर्णा ने बैडमिंटन खेलना 1986 से मुंबई में शुरू किया। इस समय उनकी उम्र केवल 8 साल की थी। छोटी अपर्णा की बड़ी प्रतिभा को निखारने का जिम्मा कोच अनिल प्रधान ने लिया था। अनिल प्रधान खुद भी राष्ट्रीय विजेता रह चुके थे। उन्होंने अपर्णा की शैली को तेजी से विकसित करने में मदद की। राष्ट्रीय स्तर पर अपर्णा ने अंडर 12 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया। ये उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट था और इसमें उन्होंने जीत दर्ज की। इस जीत ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया और मात्र 2 साल बाद उन्होंने नेशनल सब जूनियर गर्ल्स खिताब भी जीत लिया। 1996 में अपर्णा ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता थी। उनकी सफलता ने आगे चलकर रफ्तार पकड़ी और 1997 में अपर्णा ने हैदराबाद में पहला राष्ट्रीय खिताब जीता। इस खिताब पर उन्होंने अगले 9 साल तक कब्जा जमाए रखा। लगातार 9 बार राष्ट्रीय खिताब जीतना राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी थी। दोस्तों, राष्ट्रीय खिताब के अलावा अपर्णा ने 17 सालों के करियर में 16 राष्ट्रीय एकल खिताब जीते हैं, और वो ऐसा करने वाली अकेली बैडमिंटन खिलाड़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर तो अपर्णा ने सुनहरा वक्त बिताया ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने 2 ओलंपिक्स, 1 एशियन गेम
और 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 4 मेडल्स जीते। 2006 में कलाई की चोट के चलते अपर्णा ने खेल से संन्यास ले लिया। अपने 17 साल के करियर में वो नेशनल चैंपियनशिप्स में किसी से नहीं हारी थी और जब उन्होंने संन्यास लिया तब वो भारत की नंबर 1 खिलाड़ी थी। हाल ही में इंडियन बैडमिंटन लीग के पहले संस्करण में अपर्णा मुंबई मास्टर्स की कोच बनी। 2005 में खेल में उपलब्धियों के चलते उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। आज हमारे देश को एक नहीं बल्कि बहुत सी अपर्णा की जरूरत है जो भारत के गौरव को आगे बढ़ाते हुए देश का नाम विश्व के मानचित्र पर हर बार रोशन कर सके। अपर्णा पोपट को उनके जन्मदिन पर हम सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर किसी विधा को लेकर लगन हो तो उसे सीखने के लिए फिर गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, वो विधा खुद ही आपकी गुरु बन जाती है। तो अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्होंने खुद ही वीणा वादन सीखा। अपनी ही शैली का उनका वीणा वादन बाद में कई फिल्मों और कई समारोहों में सुना गया। उन्होंने वीणा वादन के अलावा फिल्म निर्माण, निर्देशन, संगीत निर्देशन, अभिनय और गायकी भी की। इस बहुमुखी प्रतिभा का नाम है सुंदरम बालाचंदर। बालाचंदर जी का जन्म 18 जनवरी 1927 को मद्रास के एक गांव में हुआ। दक्षिण भारतीय संस्कृति के गढ़ में बालाचंदर जी का बचपन बीता। उनके परिवार में करीब सभी लोग कला से जुड़े थे। माहौल का असर बालाचंदर जी पर भी हुआ और वो शास्त्रीय संगीत में रुचि दिखाने लगे। संगीत वाद्य यंत्रों के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई और उन्होंने तबला, मृदंगम, हारमोनियम, दिलरुबा और शहनाई बजाना सीख लिया। दोस्तों, दिलचस्प बात ये है कि इस समय उनके फिल्मी करियर की भी शुरुआत हो चुकी थी। 1934 में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में तमिल फिल्म सीता कल्याणम में काम किया। वो इसमें बाल संगीतकार की भूमिका में थे। इसके बाद वो समय समय पर फिल्मों में दिखते रहे। बालाचंदर जी सिनेमा में काम तो कर ही रहे थे लेकिन उनका पहला लगाव संगीत की ओर ही था जिसमें उनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वाद्य यंत्रों पर उनके हाथ तेजी से चलते थे। वो मात्र 12 साल की उम्र में बड़े बड़े मंचों पर सितार की प्रस्तुति देने लगे। दक्षिण भारत में उनका सितार वादन काफी पसंद किया जाने लगा। अपनी प्रतिभा को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो मद्रास की मदद ली। ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने 3 साल काम भी किया। इस समय उन्होंने रेडियो पर बहुत से वाद्य यंत्र बजाकर करीब रोजाना की प्रस्तुतियां दी। इसी दौरान उनकी जिंदगी में वीणा का प्रवेश भी हुआ और बालाचंदर जी इस वाद्य यंत्र की ओर तेजी से आकर्षित होने लगे। वो लगातार घंटों तक वीणा का अभ्यास करने लगे और इसके लिए उन्होंने किसी शिक्षक की मदद भी नहीं ली। 2 साल वीणा के अभ्यास में लगाने के बाद वो वीणा वादन में पारंगत हो गए। बालाचंदर जी ने खुद ही वीणा वादन सीखा था, इसीलिए उनकी वादन शैली भी अलग थी। उनकी शैली से बहुत से लोग प्रभावित होने लगे। बालाचंदर जी ने अपनी शैली को आने वाली पीढ़ियों को देने का फैसला किया और वो विद्यालयों में वीणा वादन सिखाने लगे। बालाचंदर जी के करियर का ये सुनहरा दौर था और 40 के दशक के अंत में बालाचंदर जी ने फिल्मों में संगीत देना भी शुरू कर दिया था। वो फिल्मों में अभिनय तो पहले से ही कर रहे थे, इसके बाद उन्होंने निर्देशन भी सीखा। उनकी फिल्में संगीत के लिए जानी जाती थी लेकिन 1954 में आई फिल्म अंधा नाल में उन्होंने कोई गाना नहीं रखा। फिर भी ये फिल्म छायांकन के लिए क्लासिक फिल्मों में जगह बनाए हुए है। अंधा नाल उस समय की कल्ट फिल्म मानी जाती है। फिल्मों में सफलता को देखते हुए बालाचंदर जी ने 1960 के दशक में SB क्रिएशंस के नाम से प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। सिनेमा के साथ साथ बालाजी मंच पर भी प्रस्तुति देते रहे।
यंत्रवादन की अपनी प्रसिद्धि के चलते बालाचंदर जी ने दुनिया भर में भ्रमण किया और अपनी कला की प्रस्तुतियां दी। अपनी विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने कई विदेशी कलाकारों को भी प्रभावित किया। बालाचंदर जी के रिकॉर्ड इस समय तक दुनिया भर में उपलब्ध हो चुके थे और इनमें से कुछ बेस्ट सेलर भी बने। वीणा वर्चुओसो एस बालाचंदर, वीणा चक्रवर्ती एस बालाचंदर इन कॉन्सर्ट, वीणा विद्वान एस बालाचंदर इन कॉन्सर्ट बालाचंदर जी के कुछ विश्व प्रसिद्ध रिकॉर्ड हैं। में उनकी भिलाई में अचानक मृत्यु हो गई। बालाचंदर जी यहाँ एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। दोस्तों, बालाचंदर जी जितनी बड़ी हस्ती थे उतने ही बड़े उन्हें पुरस्कार भी मिले। 1982 में सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा 1982 में ही उन्हें संगीत कला शिखामणि अवार्ड भी दिया गया। हमारी ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आज के शो की आखिरी हस्ती ने संगीत के क्षेत्र में नई खोज की। इस खोज के लिए दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी। उन्होंने ही डॉल्बी नॉइज रिडक्शन सिस्टम का निर्माण किया। इस तकनीक से फिल्मों और संगीत रिकॉर्डिंग से बैकग्राउंड हिस निकालने में बहुत आसानी होने लगी और आवाज की शुद्धता व गुणवत्ता भी बढ़ गई। दोस्तों, उनका नाम है रे डॉल्बी। 18 जनवरी 1933 को डॉल्बी पोर्टलैंड में जन्मे। डॉल्बी का बचपन सैन फ्रांसिस्को में बीता और यहीं से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी प्राप्त की। इसके बाद 16 साल की उम्र में उन्होंने एम्पेक्स कोऑपरेशन नाम की एक टेप रिकॉर्डिंग कंपनी में काम करना शुरू किया। यहां डॉल्बी ने वीडियो टेक्नोलॉजी के विकास पर काम करना शुरू किया। काम के साथ साथ डॉल्बी ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और 1957 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BS की डिग्री हासिल की। पढ़ाई में अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए डॉल्बी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरेट होने के बाद डॉल्बी लंदन चले गए और 1965 में उन्होंने डॉल्बी लेबोरेटरीज नाम की अपनी कंपनी की स्थापना की। लेकिन इस समय डॉल्बी के पास केवल 4 लोगों का ही स्टाफ था। इसी साल गर्मियों में उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसने डॉल्बी को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। हुआ ये कि रे डॉल्बी संगीत रिकॉर्डिंग में आने वाली हिस साउंड निकालने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग में आने वाले शोर को हटाने के लिए इलेक्ट्रिक फिल्टर की खोज की। ये फिल्टर रिकॉर्डिंग के दौरान साउंड को मैनिपुलेट कर देता है और क्वाइट लेवल को बढ़ा देता है। इस विधि के परिणाम स्वरूप रिकॉर्डिंग से हिस साउंड कम होने लगी। There seemed to be something very fundamental about the remaining hiss on tapes. As there was pressure to make the tracks smaller and smaller, you could get more music on the tape that way. And to reduce the tape speed, you could reduce the costs, the production costs of the recording by reducing the tape speed. But so the tape speed went from 30 inches per second with the Model 200 original Ampex recorder down to 15 inches per second with the second generation recorder. Then down to 7.5 inches, then to 3.75, and then 1 7/8 inches. And 1 7/8 inches was the final tape speed that was used for cassette tapes. And I was watching these developments, and I realized that noise was going to be a fundamental stumbling block in all of this, because people just would not want to listen to a cassette tape that had a lot of hiss on it. उन्होंने अपना यंत्र डॉल्बी ए सबसे पहले लंदन के डेका रिकॉर्ड्स को बेचा था। डॉल्बी के काम से खुश होकर डेका रिकॉर्ड्स के निर्देशक पॉल मुजले ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो डॉल्बी की नॉइस रिडक्शन सिस्टम्स के विकास में मदद कर रहे हैं। डेका के तकनीकी विशेषज्ञों ने डॉल्बी की टीम के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर दिया जो 60 के दशक में एक सपने जैसा था। डॉल्बी अपनी खोज में कामयाब हो गए थे। इसके बाद तो मानो रिकॉर्डिंग की दुनिया में एक क्रांति सी आ गई। ये संगीत की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत थी। रिकॉर्डेड सुरों से शोर गायब था।
डॉल्बी की सफलता के बाद रे ने 1976 में कैलिफोर्निया में नए ऑफिस की स्थापना की। 12 सितंबर 2013 को उनकी मृत्यु हुई। डॉल्बी रिकॉर्डेड आवाजों की दुनिया को बेहतरीन तोहफा दे गए। वर्तमान में करीब सभी रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में डॉल्बी के इक्विपमेंट्स देखे जाते हैं। आज समस्त संगीत जगत रे डॉल्बी और उनके योगदानों का शुक्रिया तहे दिल से अदा करता है। अब अपने दोस्त यानी संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा परछाई सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा परछाई सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।